बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ ये मैं एक न्यूज़ बोल रहा हूँ यार, ये शेयर कर देता हूँ मैं। बात ये है जी कि ई काम एक्सपायर हो तो आपको पता है जी, मैं यार बहुत सी वीडियोस के मतलब मैं बता चुका हूँ। बंदे अभी भी मुझसे पूछ रहे थे भाई ई काम एक्सपायर है, मैं खरूज जाना चाहता हूँ, तो यार सफारा चले जाएँ। सफारा से यानी कि काम हो जाता है, आपको पता है जी, खरूज लग जाता है और वो लीगल खरूज लगता है। उस सूरत में आप दोबारा न्यू वीज़ा पर जा भी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना मतार वाला पेपर निकलवा लें यार जाने से पहले, यानी कि जब पाकिस्तान में आ जाएं, जो पाकिस्तान में मेरे भाई आए हुए हैं यार, आप अपना मतार वाला पेपर निकलवा लें यार, उससे क्लियर कर लें आप जा सकते हैं या ममनुअल दखूल तो नहीं है आपका कहीं। लाखों रुपए लगा लग जाते हैं वीज़ों के ऊपर, आप यकीन कीजिए, और बंदे चेक नहीं करवाते हैं। मेरे पास तो ऐसे केस आते रहते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर करता हूँ, मतार एंड क्रूज वाले पेपर के मतलब काम भी करते हैं। तो बाद में भाई बोलते हैं यार भाई मेरा वैसे ही सब्जेक्ट हो गया यार, मेरे पैसे डूब गए, बर्बाद हो गए यार, मैं मुझे जद्दा एयरपोर्ट से वापस कर दिया। मैं लाइव आपको मैसेज सुनाकर बहुत सी वीडियो शेयर करता हूँ, और कुछ वीडियो आप यकीन कीजिए ऐसी मैं शेयर नहीं कर सकता आपके साथ जो कि मुझे रोका जाता है कि भाई हमारी ये बात सोशल मीडिया के ऊपर मत शेयर कीजिएगा, फिर मैं वो नहीं करता जी। जाहिर सी बात है किसी का पर्सनल डाटा होता है, तो अक्सर बंदे मुझसे मतार पेपर मांग लेते हैं भाई किस टाइप का होता है, मैं उनको सेंड कर देता हूँ पुराना, तो वो बोल देते हैं ये अभी भाई ये बंदा जा सकता है या नहीं जा सकता। यार किसी का पर्सनल डाटा है, मैं उसके मतलब आपको क्या डिटेल बताऊं, अगर सिंपल अफाज में ये अगर बहरहाल जी मतार पेपर के मतलब ये था, आपने अगर निकलवाना हो तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन किसी कहीं से भी निकलवा लें यार किसी को बोलकर। तो भाई बात ये है कि आप अपने आप को पहले चेक तो करवाएं जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अच्छा ये हरूब है, सफारा से आउट पास भी बन रहे हैं, और हरूब तो वैसे भी आपको पता 7 दिन का टाइम चल रहा है, आप न्यू कफील ले जाएं, मकतबे अमल में चले जाएँ, अपना भाई टांगों को हरकत दें और अपने नकल फलक करवा लें अगर करवाना आप बेहतर समझते हैं 60 दिन के बाद, वरना आपका क्रूज खुद ब खुद शो हो जाएगा, आप अपने घर का सफ़र कर सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है जी कि मतलूब वाले तो भाई जाहिर सी बात है जो केस है वो फाइनल करेंगे तभी आएंगे, और जो खुद से पैसे देकर एजेंटों के थ्रू पकड़ाई देते हैं, इकामे एक्सपायर होते हैं या हरूब होता है, तो वो जेल में 10-15 दिन गुजार कर आते हैं, वो क्या या अच्छा ये इन्हीं के मतलब मैं ये सूरत मतार पेपर के मतलब तो आपको बता दूँ, ये तमाम तर जो इन कैटेगरीज में पाकिस्तान पहुंचते हैं ये पहुंच चुके हैं, वो जाने से पहले मतार पेपर निकलवा लें। अभी ये मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देख लें 9,200 बंदे जी पिछले 6 से 7 दिनों में तरहील हुए हैं सऊदी अरेबिया से, यानी कि डीपोर्ट किया गया है उन्हें मुख्तलिफ जेलों में से। अभी इनमें ये तमाम कैटेगरीज आती हैं, मतलूब हरूब छोटे मोटे केस इकामा एक्सपायर एंड एजेंटों को पैसे देकर पकड़ाई देने वाले, ठीक है जी। और अगर टोटल रिपोर्ट की बात करें तो देख लें 16,583 अफराद हैं जी टोटल, और इनमें मुखालफ निज़ाम इकामा यानी कि इकामा एक्सपायर वाले कितने भाई पकड़े गए, उनकी तादाद देख रहे हैं 10,007 बंदे हैं। 10,000 बंदे भाई पिछले 6 से 7 दिनों में सऊदी अरेबिया में इकामा एक्सपायर वाले गिरफ्तार किए गए हैं, आप अंदाज़ा कर लें कितनी दुनिया का इकामा एक्सपायर हुआ हुआ है। तो आगे मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होते या निकलते हुए 4,400 हैं जी, एंड मुखालफा निज़ाम अल अमल ये हैं जी 2,172 बंदे हैं जी, ये वो सायखा सामल मंजिल या छोटा महना या कंपनी से भागे हुए बाहर कहीं काम कर रहे हैं या ये महीना वाले बाहर कहीं काम कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं डीपोर्ट कर देते हैं, वो बकायदा इनके ऊपर पाबंदी भी लगा देते हैं। तो ये भाई 2100 बंदे यू वो भी इस पिछले 6 से 7 दिनों में गिरफ्तार हुए हैं। तो एक काम अगर आपके भाई इकामा वगैरह अगर आपका एक्सपायर है तो यार रीन्यू करवा लें, नहीं तो सफारा से खरूज लगवा लें बेस्ट है। वैसे मैं तो नहीं मानता कि एजेंटों को पैसे देकर पकड़ाई देने का फ़ायदा नहीं है, सफारा में चले गए हैं, हरूब वाले भी हैं और इकामा एक्सपायर वाले भी आपके वहाँ से काम हो रहे हैं। हरूब वालों को वैसे भी अगर नकल खफाला करवाना चाहते हैं तो आपको 60 दिन का टाइम मिला हुआ, नकल खफाला करवा लेना, वरना 60 दिन के बाद आपका खरूज खुद ब खुद लग जाएगा और आपको आपकी अबशर वाली सिम के ऊपर उसका बाकायदा मैसेज भी आ जाएगा।